संगीता दीदी प्यार नहीं की तो हमको बोला ना कि तरे तो आप नहीं दे रहे ना तो रेनू से दिलवा दीजिए जे मतलब इस तरह का बात। हाँ ऐसे बोला था महाराज हमको अच्छी बढ़ता है तो कहा ना संगीता दीदी बोली ना कि जब रेनू देगी तो जाइए। मेरे पास आया था करे रेनू हमको नींद नहीं आ रहा है, वो लड़का रात में सुता नहीं था, बहन चौड़ाई से लाते मार ली ना हल के नीचे फेंका गली पलंगवा पर से। यानी कि बताइए एक लड़की अगर काम करती है तो मतलब कि चाहता है कि हम रात बिताए उसके साथ रात में सुते। दीदी क्यों रोती है, मेरा वीडियो में हुआ जो आपका इंटरव्यू दिया था उसमें क्यों रोई थी कि एक लड़की मजबूर लड़की घर से जब निकलता है तो उसको लोग आंचल ओढ़ा के पैसा नहीं देता, आंचल उतार के पैसा देता है, सही बात है ठीक ना। सुतो तो पैसा देंगे जी, तो आज हम लोग का पैसा भी बाकी है, कॉमेडी किया था ना अभी 2000 संगीता दीदी को 2000 मेरा बाकी, तो वही बोली ना कि देखिए संगीता जी एक वेब सीरीज आता है, वेब सीरीज करिए जो उसमें अच्छा खासा पैसा है। तो संगीता दीदी के बोला वो तो वो अपना साथ रिहर्सल कर मतलब किसी भी हाल में उसको अपनाना चाहते थे। तो वो संगीता दीदी बोली ना कि सर हम आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे जो हम अपना बहुरानी के साथ रिहर्सल करते हैं। हम बोले हम ना करेंगे संगीता दी, अरे बाबू चढ़ेगा ना ही, नाइटी में है हम लोग नाइटी में है देख लीजिएगा। तब रिहर्सल हुआ तो फिर हम वीडियो देखिए अगर मोबाइल से ऐसे हो रहा है, अगर हम लोग गलत रहते ना तो मोबाइल ऐसे रखा के करते, हम लोग ओपन रहते हैं। तो फिर वो वीडियो हम बोले फिर देखे तो हम बोले सर डिलीट मारिए, तो वो डिलीट भी मार दिया था। जब हम लोग वायरल हुए है ना तो वो वीडियो अपना फेसबुक पर अपलोड किया था चैनल चलाने के लिए, बदनाम करने के लिए। ए भाई अंगूर नहीं मिला तो खट्टे है, हम तो शुरू से कह रहे हैं। अगर उस दिन रात में सो जाती तो ये चीज नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग लड़की लड़की है महाराज, लड़का नहीं है। मधु तिरछा की वीडियो देखे हैं कितना पूरा उनका कितना वायरल कितना थी हुआ है, उस तरीका के नहीं है, कोई लड़का के साथ नहीं, हम लोग शूटिंग करने वाली लड़की है, मेन लीड में काम करते हैं, मेन लीड का मतलब होता है रेप सीन, ये सीन वो सीन हर चीज होता है, तो वैसा वैसा से हमको फर्क नहीं पड़ता। जब हमको लड़का के साथ में रहता ना तब हमारा मुड़िया शर्म से गिर जाता, लेकिन नहीं उस हिसाब से तुम सोच रही हो ना कि हमको दबा दे, दबने वाली हम लड़की नहीं है, माँ काली का रूप है मेरे पास, हम माँ काली भी हैं ठीक ना। आप आइए बम्बई तो गए थे तो वेब सीरीज करके हम आए हैं ठीक ना, वो पूरा प्रूफ दिखाया है, जानते हैं कैसे चुम्मा उसका चुम्मा लिया है, हाई में लिया है, दाती काट के वो ले रहा है, कहा गया बहन थैंक यू, ऐसे देते रहिए खुश करते रहिए लड़का के। और दो कड़ी के लड़की से जो कॉलगर लड़की है धंधा करने वाली लड़की है उससे महाराज हम डर जाएंगे, हम नाचने वाली लड़की है मेहनत करके खाते हैं तो हम डर जाएंगे उससे। अब बताइए दिन पहले जे हम फोटो नहीं दिखा सकते हैं, जब नाचने वाला फोटो वायरल हुआ, आधार कार्ड वायरल कर रही है बच्चा का फोटो, तो भाई वो भी कर देती वायरल, हमको इतना पता है महाराज कि हम आज तक गलत नहीं किए, ऐसा है प्रेम किए हैं, प्रेम किए हैं, प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि उसके साथ नंगा वीडियो है नंगा फोटो है, क्योंकि जानते हैं हम शूटिंग लाइन से लड़की हैं, तो शूटिंग लाइन का मतलब हम मेन लीड काम करते हैं, तो मेन लीड का मतलब है मेरे साथ रेप होता है, दो चार वो गुंडा मिलता है, हीरोइन सब करती है उसी तरह जैसे हीरोइन करती है, हम मेन लीड काम करते हैं महाराज, हम यहाँ तक तौलिया बांध बांध के काम करते हैं। अभी हम जो वेब सीरीज करके आए बाथरूम शूट भी आप लोग बाथरूम शूट अभी हम जो वेब सीरीज करने के लिए गए ना झरना से नहा रहे यहाँ तक तौलिया बांध के, किस वाला सीन हुआ है तो बीच में आईना रखा हुआ है उधर से वो किस कर रहे हैं, हम किस कर रहे हैं, लगेगा कि रियल हो रहा है, लिप किस भी हुआ है। हाँ तो मतलब ये नहीं है कि मतलब हम गलत है, तुम्हारी सब कॉलगर लड़की नहीं है, साली मेहनत कर कॉलगर करते करते धंधा करते करते जब सही बात है कि गलत का पैसा गलते में चल जाता है तो सक्सेस नहीं। आपको एक्सपोज करने से किसी को क्या फायदा होगा, क्या टीआरपी मिलेगा? वो टीआरपी उसका यही मिला कि उसका वीडियो उसका चैनल पर नहीं चलता था, जब हमको जानी ना कि हम बाबा के नाम से हम फैन पूरा वायरल है, वायरल है, तो वो हमको ट्रोल कर दी, गलत गलत आरोप लगा दी, तो हमको जानते हैं जब गलत नहीं रहिएगा कोई एक बया के पीछे से घुस के आपको जबरदस्ती हाथ पकड़ के जो बाबा को वो चप्पल से मारती थी वो पहले ही से हमको साथ डुएट करना चाहती थी, जब वो आती थी ना तो हम हट जाते थे, तो उस दिन जबरदस्ती हम जान रहे कि तुम बाबा के चप्पल से मारी, हम बाबा से प्रेम कर रहे हैं तो तुम मेरे से लड़ोगे, तो हम हट जाते थे, उस दिन भी हम हट रहे स्टेशन पे, तो हमको बड़ियारी हाथ पकड़ के हमको कह रही है ये बहन जब तुम हमको गलत कब ठहराती, जब तुम अपना चैनल पर वीडियो नहीं चढ़ाती ना तब वो गलत ठहराती, लेकिन वो अपना चैनल चलाने के लिए मेरे पर गलत आरोप लगाई। चैनल पे आपका हम बयान सुने हैं कि आपको बोला गया कि आप भी बाबा को मारिए तो हम आपको माफ कर दिए, बात सही है? अरे महाराज एक उसका ऑडियो वायरल किए हैं उससे अथी क्या बोलते हैं समीर चौधरी भैया है फिर विशाल भैया है उन्हीं का चैनल वहां पर काम अथी किए थे, रिकॉर्डिंग वायरल किए हैं, वो लड़की
कह रही है कि रेणु तुमको अभी भी मौका दे रहे हैं सुधार जाओ। जानते हैं किस लिए सुधारने के लिए? राहुल गांधी हैं कोई नेता है और क्या बोलता है लालू जी, उनको प्रचार करने के लिए हमको बोल रही है। बाबा के करिए कि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो बहुत बड़का कांड करने वाला है, तो तुम जैसे हम बाबा के चप्पल से मारे ना वैसे ही तुम भी बाबा के चप्पल से मारो तो तुमको हम सपोर्ट करेंगे। अगर तुम्हारे पास टैटू मिटवाने के लिए पैसा नहीं है तो तुमको हम पैसा देंगे। कोई पैसा देगा तो दिखाइए तो बाबा का टैटू मिटा दीजिएगा, बाबा की चप्पल से मारिएगा। गल उगल है, हमको कोई करोड़ों दे देगा ना फिर भी प्यार का जीत होता है, कभी नहीं हम एक कदम उठा। बाबा वाला गाना एक बार गा दीजिए जो आपका वायरल होता है। पापा हो बाबा बागेश्वरे दिल में बसल हथिन हो, के पापा हो सपना में धीरेन्द्र शास्त्री दिख हथिन हो, बाबा बागेश्वर से बियाह करवाई पापा नहीं तो जिंदगी कुमारे रखवाई पापा, टैटुआ बना के दिल में रखी ले लियो पापा, सुतते उठते मुहमानी रेखा ही ओ पापा, सुतते हैं उठते हैं बाथरूम में भी जाते हैं तो बाबा के पहले देखते हैं, सबसे पहले बाबा को देखते हैं। यही बाबा को बोला जाता है कि चप्पल से मारो, यही बाबा के बोलता है चप्पल से मारने के लिए। क्या ऐसा नहीं, हम दो रोटी कम खाएंगे, हमको नहीं चाहिए रुपया पैसा, हमको रुपया पैसा से मतलब नहीं है, लेकिन हम प्यार करने के लिए कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम जितना भी तू कहोगी रुपया देने के लिए। और रुपया वाली नहीं है महाराज, कॉल कर लड़की जब वो रुपया वाली रहती ना तो वो घर में बैठ के खाती, 10 मर्द के लेके साथ में स्टेशन पर नाच नाच के वो सबका इंटरव्यू नहीं लेती और वो अपना चैनल नहीं। गलत बात है, कोई अगर पैसा वाला है तो ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं करेगी, काम तो हर करता आदमी करता। फिर हम काम कर रहे हैं तो उसको क्यों फट रहा है? हम भी तो एक काम कर रहे हैं, वो कर रही है ना, उसका मीडिया में देखिएगा, वो बोलती है कि कहती है ये लड़की कि बाबा बागेश्वर से हम शादी नहीं करेंगे तो शादी शुदा रहेंगे। वो तो फर्स्ट बार में पकड़ा गई है झूठी, पहले तू वीडियो गौर से देख ले का तू बोल रहा है। जो अश्लील वीडियो वायरल कौन किया था वायरल, उस शूटिंग का थोड़ा असलियत बताइए क्या था, क्या सच में आप शूट कर रही थी, रिहर्सल था, क्या था बताइए। वीडियो भी थोड़ा निकालने देते ना तो और मजा आता, वही बेड पे जो रिहर्सल हो रहा है और जो लड़का रिलीज किया है वही बेड पे हम लोग हंसी मजाक सब कर रहे हैं, ठीक ना। शूटिंग करने के लिए बक्सर में गए थे कॉमेडी वीडियो करने के लिए, बहुत ज्यादा हम कॉमेडी करते, कॉमेडी में बहुत ज्यादा, कॉमेडी से मेरे कॉमेडी से दूसरा कोई वायरल है, जो बैग टांगता था दूसरा कोई के वो मेरे से वायरल है लड़का। आज वो भी लड़का बदल चुका है, हमको लगा है कि वो लड़का से वो मिल चुकी है, ठीक ना, क्योंकि वो लड़का जान रहा है। शूटिंग कैसे हुआ था इसके बारे में तो सुनिए, तो कॉमेडी करने के लिए गए थे, तो जैसे हम लोग दिन में कॉमेडी करते हैं और रात में हम लोग स्टोरी लिखते हैं 12-1 बजे तक, तो वो संगीता दीदी से उसका प्यार हो गया था वो लड़का के, तो संगीता दीदी के कह रहा था आपकी ऑनलाइन सास, हाँ ऑनलाइन जो मेरी सास थी, तो कह रहा था ना कि ए संगीता जी जो हम भी पतला है अभी पतला है, जो हम लोग सेटिंग कर लीजिए ना, जे आप भी कलाकार है हम भी यूट्यूब चलाते हैं, जो हमको यूट्यूब के बारे में अच्छा खासा जानकारी है, जे जे मेरी मैडम जो है ना बहुत मोटी, उसका जो औरत है ना बहुत मोटा है, तो कह रहा था ना कि हम बाजार में निकलते हैं ना तो लगता है ना कि माँ के साथ चल रहे हैं। इस तरह का अपना बीबी पे कमेंट करता है, हम वीडियो भी दिखाएंगे आपको। तो वो ऐसे बोला कि जब पूरा मोटी हमारे बीबी है, वो लड़का है ना एकदम पूरा।